लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज यानी 5 जून को सेंसेक्स 1500 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 73,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 500 अंक से ज्यादा की उछाल आई है और यह 22,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि कल बाजार में 4,000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई थी। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट दर्ज की गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 8% की तेजी देखने को मिली है। M&M का शेयर भी 6% चढ़ा है। नेस्ले, एशियन पेंट और ITC के शेयरों में 4% से ज्यादा की बढ़त है। गिरावट वाले शेयरों में पावर ग्रिड और LT है, जिनमें 1% की गिरावट आई है। आज के कारोबार में FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। निफ्टी का FMCG इंडेक्स 5% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। निफ्टी ऑटो में 4% से ज्यादा की तेजी है। फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स भी 3% से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। वहीं IT, मीडिया और मेटल सेक्टर्स करीब 2% ऊपर है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि इस कम बहुमत के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलावों के साथ मोदी 2.0 का नीतिगत एजेंडा जारी रहेगा। सरकार गठन को लेकर शुरुआती निराशा और चिंता के बाद हम उम्मीद करते हैं कि फोकस फंडामेंटल बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पर वापस आ जाएगा। रेलवे, डिफेंस और PSU के शेयरों में भी थोड़ी नरमी दिख सकती है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन कल यानी कि 4 जून को सेंसेक्स 4389 अंक की गिरावट के साथ 72,769 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 1,389 की गिरावट रही थी। यह 21,884 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में से गिरावट और 5 शेयरों में तेजी रही थी। NTPC और SBI के शेयरों के भी करीब 15% की गिरावट रही थी और LT पावर ग्रिड के शेयर में 12% से ज्यादा नीचे थे। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में करीब 5.74% की तेजी रही थी। शेयर बाजार में इस तेजी के बाद निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है।